मध्य प्रदेश के रीवा में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 55,000 क्विंटल से अधिक के अनाज के गबन की जांच संभागीय आयुक्त करेंगे। कांग्रेस के सुंदरलाल तिवारी की ध्यानाकर्षण सूचना में पूछे गए पूरक प्रश्न के उत्तर में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने ये आश्वासन दिया। हालांकि सुंदरलाल तिवारी उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और काफी देर तक विरोध दर्ज कराते रहे। वे लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू से इस मामले की जांच कराने की मांग कर रहे थे। सुंदरलाल तिवारी का कहना था कि वर्ष 2006 से 2008 तक रीवा जिले में 55,110 क्विंटल खाद्यान्न का गबन जिला प्रशासन के अधिकारियों की साठगांठ से किया गया है। पहले हुई जांच में पाया गया कि गड़बड़ी और भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच में संबंधित के खिलाफ FIR के लिए कहा गया था, लेकिन वो भी नहीं हुई। काम के बदले अनाज की योजना SGRY मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई। इस योजना में लगभग 55,100 क्विंटल अनाज रीवा जिले को प्रदत्त किया गया। ये मध्य प्रदेश की 17 जिलों में ये योजना चलाई गई। ये अनाज एक वर्ष तक खत्म नहीं हुआ। खत्म न होने की वजह से एक नई योजना इन्होंने चलाया, SRIGS योजना, और ये 55,000 क्विंटल जो अनाज था वो इस योजना में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद जिला पंचायत द्वारा ये दर्शाया गया कि रीवा जिले के विभिन्न जनपद पंचायतों को ये अनाज NRIGS में खर्च करने के लिए प्रदत्त कर दिया गया है। सच ये था कि ये अनाज गोदामों से बेच दिया गया, किसी जनपद पंचायत को ये अनाज दिया ही नहीं गया। और माननीय मंत्री जी से हमने आग्रह किया कि इस जांच इसकी अनाज के गमन की जांच या तो लोकायुक्त से कराई जाए या EOW से कराई जाए। इसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारी सब इन्वॉल्व हैं और प्रदेश स्तर तक के अधिकारी इन्वॉल्व हैं। सरकार इसकी जांच कराने को तैयार नहीं है। चपरासी से जांच कराना चाहते हैं, दो बार जांचें हो चुकी हैं, तीसरी बार SDO से जांच करा रहे हैं। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में पर्दा डालने का काम कर रही है और इस तरह एक जिले में नहीं, प्रदेश के हर जिलों में इस तरह का भ्रष्टाचार है और इस तरह के अनाज का गमन हुआ है, लेकिन सरकार मौन है, किसी तरह की कोई जांच नहीं कराना चाहती है। ये मामला आज हमने उठाया और भविष्य में फिर उठाते रहेंगे और इस भ्रष्टाचार की हम जांच चाहते हैं कि लोकायुक्त या EOW से कराई जाए। इसके उत्तर में भार्गव ने कहा कि इसकी जांच कराई जा रही है, बिंदु विस्तृत स्वरूप के हैं, इसीलिए समय लग रहा है। इस पर मंत्री गोपाल भार्गव ने इसकी जांच रीवा के संभागीय आयुक्त से करवाने का आश्वासन दिया। एक योजना 2006-07 में चलती थी भारत सरकार की, SGRY सुनिश्चित ग्रामीण रोजगार योजना। वह योजना बंद हो गई, मर्ज हो गई बाद में रोजगार गारंटी योजना में। उस समय खाद्यान्न लोगों को खाद्यान्न वितरित किया जाता था, नगद राशि के एवज में खाद्यान्न वितरित किया जाता था। उसके बाद से नगद राशि का प्रावधान हो गया, खाद्यान्न बंद हो गया। उस समय का माननीय सदस्य जो रीवा के हैं, उन्होंने प्रश्न किया था कि 2006-07 की यह योजना, इसका जो उस समय का खाद्यान्न था, उस खाद्यान्न का अभी तक मिलान नहीं हो रहा है और इस कारण से उनकी जो शिकायत थी कि इसमें कहीं गड़बड़ी हुई है। तो मैंने अपने उत्तर में यही कहा है कि आप जिस स्तर से चाहे जांच करवा लें, खासतौर से मैंने संभागीय स्तर पर जो डिवीजनल कमिश्नर है उसके स्तर से जांच करवाने के लिए अपने अधिकारियों को आदेश भी दिए हैं और विधानसभा के पटल पर भी मैंने कहा है कि जल्दी ही जल्दी हम इसकी रिपोर्ट मंगा लेंगे और उसके बाद भी यदि संतुष्टि नहीं हुई हमें उसमें कमिश्नर की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी मिली तो फिर हम लोकायुक्त तो या EOW जो कुछ भी होगा हम उसके लिए मामला सुपुर्द कर देंगे। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।